बेटा आपका नाम बताओ। अनीशा। अनीशा। हाँ देखो अनीशा पूरी खेती करती है, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 18 साल। 18 साल। और ये अनार का खेती आपके पिताजी बता रहे थे कि आप ही करते हो पूरी? हाँ मैं ही करती हूँ। अरे वाह, अभी भी आप कर रहे थे जब हम आए थे शायद? हाँ है नहीं? हाँ कितने घंटे काम करते हो लगभग? 8-10 घंटे करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूँ इस समय बाड़मेर में। बाड़मेर है जो अभी फिलहाल इसका नाम चेंज हो चुका है, बलोतरा भी है शायद और जालौर भी बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, दोनों जिलों का बॉर्डर है। लोग बोलते हैं कि रेगिस्तान में कुछ नहीं हो सकता है, राजस्थान पहला वाला राजस्थान नहीं है। यहाँ पे मैं एक शानदार नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, फर्स्ट क्लास मेरे पास ट्रैक्टर खड़ा है, तो आप किसान खड़े हैं और इधर देखोगे आप तो ड्रिप लगा हुआ है अनार, और ड्रिप के ऊपर अनार का खेती हो रहा है। ये लगभग 125 साल के पौधे हैं। हालांकि वो बात है कि न्यूट्रिशन का इन लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पता है, अभी इल्म नहीं है कि किस तरीके से इन चीज़ों में क्या दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से बीमारी आती है। आपके माइक रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हमने कुछ चीज़ें उनको बताई थी तो उनका रिजल्ट भी आया, तो फिर हमने शुरुआत सोची कि हम यहीं से शुरू करते हैं। मोहम्मद वली साहब हैं मेरे साथ, बहुत बेहतरीन किसान हैं, बहुत लाजवाब इंसान हैं और बड़े बेहतरीन, मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उनके भाई भी बहुत शानदार व्यक्ति हैं मेरे साथ, कल शाम से हैं लोग, बहुत अच्छी खातिर तवज्जो रही, बहुत बढ़िया कुछ रहा यहाँ पे, बहुत अच्छी बातें उनसे कुछ सीखने के लिए मिली। अभी हम मेन बात करेंगे थोड़ा सा उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया भू प्रहरी और भूमित्र का, उनका वास्तविक अनुभव क्या रहा। भैया आप भी आ जाइएगा। नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। आपका पूरा परिचय, आप कहाँ पे हैं? हम भैया अभी जो आपका नाम है ना, नाम से शुरू करेंगे। हाँ मेरा नाम वली मोहम्मद है और तेजा की बेरी मेरा गांव है और जालौर जिला में हमारा डिस्ट्रिक्ट जालौर जिला है। वैसे कहा जाए तो यहाँ जीवाने के अंदर फेमस है, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। जी जी। वर्ल्ड के अंदर जैसे रिकॉर्ड है हमारा अनार का। अच्छा। अब वही अनार हमको मार गया है। अनार एक बार हमको अनार ने चमकाया था और चमकाया के आसमान में ले गया जी, और फिर दोबारा जब ये जो जो आया था ना ये विपुर जो है तूफान, उसके अंदर न जाने कहाँ से भूत और पलित आए, पूरा बेल्ट बीमार कर दिया। अरे बाप रे। और यहाँ करोड़ों की संख्या में पौधे हमारे पास में, अब करोड़ों अनार ही सबके ऊपर जो काला पड़ने वाला रोग आ गया। ओके। पीछे से काला ऊपर से काला फंगस आ गया, उस फंगस का लाजवाब इलाज, लाजवाब बीमारी समझो, कोई बीमारी का इलाज नहीं है। जिस बड़े डॉक्टर को जाके बताया उसने हमसे 3-3, 4-4 लाख की दवा डलवा दी और फिर भी जीरो, और वही आखिरकार अनार बाहर फेंकना पड़ गया। तो इसलिए हमने तो 4-4 हज़ार पेड़ भी काट के फेंक दिए बाहर। अरे बाप रे। अभी हमने जो नया शुरुआत किया 15,000 पेड़ अभी बार हम दोबारा लगवाए, तो हम ये सोच पाए कि भाई कभी हो सके आप जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों की समाधान। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो एक सिंपल सा किसान भाई, हमारे लिए तो आप बहुत बड़े डॉक्टर साहब, जो अपनी चीजें लोगों को बताने। आप बहुत बड़े हमारे लिए डॉक्टर हैं माशाल्लाह, जो आपसे हमने दुआ ली है, हम 2 महीने से आपकी दुआ भी। अच्छा, क्या दवा ली है तो बता दो, लोगों को लगा पता नहीं क्या डब्बे भेजते हो कैमरे के पीछे। आपसे जो भू प्रेरी और भू मित्र जी, 2 डब्बियां हमने ली है, कोई ज्यादा जादू भी नहीं। 1 महीने पहले आपका मेरे पास फोन आया था, राहुल भाई भेज दो। बिल्कुल, ये 2 डब्बी हमने लिया और हमने तो डायरेक्ट 1,000 लीटर में ही डाला और 1,000 लीटर का ड्रम ऑलरेडी बन के तैयार हो गया। ठीक है, 20 दिन के अंदर तैयार हो गया। ओके। और उसको हमने सिर्फ 500 या 600 लीटर ही चलाया 4,000 पेड़ में। ओके। और वाकई में उसने 100% रिजल्ट अपना दे दिया। क्या क्या लगा आपको मेन समस्या उस समय पे क्या? जैसे उसमें निमाटोड था भरा हुआ और पौधे ऐसे हाथ लगा के थोड़ा ही। मुझे एक फोटो भेजा था याद है? जी जी जी। गांठे 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 हो रही थी। बोले राहुल भाई इसका इलाज है क्या? और जैसे एक टहनी पकड़ी और थोड़ा यूं मोड़ा टूट गया, जैसे इतना कमजोर होने के बावजूद वो पौधा तो मर गया। काफी सारे पौधे उसमें सूखे भी थे जी। और तो फिर आपकी दवा तैयार होते होते मेरे को तो अफसोस हो रहा है, कब तैयार होगी कब तैयार होगी और 20 दिन पूरे होते ही मैंने चलवा दिया। अच्छा। और चलाने के बाद में हमको हकीकत में देखा जाए तो 5 और 10 में रोज पौधे ने अपना नया नया कुंपल निकालना शुरू किया, 4-4, 5-5 इंच। अरे वाह। और लाल लाल कुंपल निकालना, जैसे वही सुरक्षित जो पौधा निकाल रहा था ऐसा कैसा वो बीमार पौधा भी अपना पीला वाटर सूट निकाल खोद के थोड़ा देखा। और जड़े खोद के देखने से क्या फायदा, हमें पता चल गया अब नए जुड़े बन रही है। अच्छा। नए रूट उसकी तैयार हो रही है। बहुत बढ़िया। निमाटोड खत्म हो गया। निमाटोड खत्म हो रहा है बस। और आपका अनुभव आप कुछ बता रहे थे, आपका एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरे आपको पकड़ लीजिए बस। मेरा नाम सामत खान है, साहिला तहसील का हूँ और जालौर डिस्ट्रिक्ट है। हमारे भी यही समस्या थी निमाटोड की, आपसे दो किट मंगवाए, दो आए भू पेरी और भेजी थी किनकी भेजी? भाई ने मंगवाई थी मेरे लिए भी, तो दोनों के अंदर हमने यहाँ तैयार कराया, ये आपके सामने पड़ा है।
ऐसा तो नहीं मैं कैमरे के पीछे बोलूंगा कि खान साहब मेरी तारीफ कर देना थोड़ी सी, ये हम आपके सामने ही पड़े। नहीं नहीं नहीं, ये तैयार पड़ा है ये माशाल्लाह, क्या बताए बेटा, मलाई होता है ना मलाई। हाँ हाँ वाकई में ये भाई बाहर ले बेटा। अरे इसके ऊपर फिर क्या आप कुछ और? हमारे भी वही निम्बा टोर वाला समस्या था। अच्छा, तो हमने एक एक लीटर डायरेक्ट ये जाके डाल दिया। बहुत बढ़िया, दस दिन में रिजल्ट आ गया। और आपको कीड़े वाला क्या बता रहे थे? ये रख दो, कीड़े वाला क्या बता रहे थे आप? कीड़े वाला वो ये भूपेरी जो तीन कैप्सूल वाला, तो उसमें क्या देखा? वो लट थी, लट हमारे यहाँ लट ज्यादा पड़ गई अभी, उसको समट समट के चलती है वो लट पड़ी, लट ने ये स्प्रे किया तुरंत खत्म। उसी दिन ही खत्म हो गया। उसके बाद आप लोगों का भरोसा बना, भरोसा बना। आपको लगा कि नहीं आ रहा है, आपको मंगाना है या मंगाया, फिर आप पीछे पड़ गए मेरे के भाई, यहाँ आओ, किसी भी तरह यहाँ आना ही आना ही आना। अभी देखो कितने शानदार दरगाह मजा हो रहा है। डंडा है इसको चलाने का? डंडा है हाँ बेटा, डंडा देना जरा। बहुत बढ़िया, देखो कितना शानदार इस पे कॉलोनी बनी साहब, लाजवाब। ये पूरा मलाई जमा हुआ है। अच्छा यही है ये भाई साहब, ये आप इसको जरा सा निकाल, इसको आप इकट्ठा भी करके रख लोगे ना एक डब्बे में जी, और इसको फ्रिज में डाल दो जी, तो थोड़ा सा ये लेकर के एक ड्रम में डाल दो, और भाई ये कैप्सूल है समझ लो। माशाल्लाह, अच्छा ये सारा वही मामला है ये। इसको चलाओ तो थोड़ा सा, कितने दिन हो गए इसको? 20 से 25 दिन हो गए बस ये मदर कल्चर बन गया। अब इसको क्या करना है? अब इसको एयर टाइट करना है, एयर टाइट बिल्कुल। इसके ऊपर कपड़े की जगह पन्नी बांध रहे हैं और यहाँ पे रस्सी लपेट के बेटा उनके एकदम हवा पर वीडियो बनाए। इसको देखो डालने में भी मजा आएगा। ये एयर पंप मोटर से बनाया मैंने। अच्छा वो डाला इसमें कूलर, कूल रिंग, तभी तो इतना बढ़िया मलाई जमा इसके ऊपर। देखो बिल्कुल बिल्कुल शानदार, बहुत शानदार। ये 10-12 दिन अभी आपको अगर दूसरा कल्चर बनाना है ना जी जी, तो आप ये केवल मलाई ले लो बस एक चम्मच जितना, और दूसरे ड्रम में डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, हो गया 10 दिन में तैयार सेट कल्चर। ये मलाई सही खाली। ओहो वाह वाह, ये इतना पावरफुल है कि एक चम्मच इसमें से निकालो जी जी जी, केवल एक चम्मच हाँ, और दूसरे ड्रम में डालो, धन्यवाद, और उसके अंदर गुड़ डाल दो 2 किलो, और फिर 10 दिन बाद इतना ही पावरफुल बनकर तैयार है। नहीं डालोगे तो भी कोई आफत आने वाली है, डालोगे थोड़ा और इंक्रीज होगा। अरे हाँ डालेंगे, उसी खुराक है, खुराक मिल जाएगी, और पत्ते के ऊपर ज्यादा दिन कॉलोनी जीवित रहेगी जितना खा के जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया भूप्रहरी मित्र। अच्छा मित्र ये वाला है, दिखाओ तो जरा मित्र कैसा बनाया आपका। अच्छा देखो, जीवाणु आपसे नहीं, सदियों से इन्हीं के द्वारा खेती होती आती थी, और यही जमीन में यही शरीर में आप और मैं भी जीवाणु से बने। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, दिखाओ तो भैया जरा। ये क्यों मग्गा अंदर अंदर ना हो जाए, इसलिए अंदर ही रखा। इधर दिखाओ तो, इसको अंदर देखा, इसको पकड़ो आप। आपने बोला डब्बा इधर का उधर नहीं डालना चाहिए, क्या ये देखो मलाई आ गई अंदर, शानदार ऐसी जम रही है, दूध पे जमती है। बिल्कुल बिल्कुल दही जैसा, बहुत भी है गजब भाई साहब। इसके अंदर आपका सब कुछ है, नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, फास्फोरस का 1, पोटास का 1, सल्फर का 1, जिंक का 1, डिकम्पोजर का 1, सब कुछ है इसके अंदर। शाबाश, बहुत शानदार लाजवाब। सब डीएपी डाला, पोटास ये ले जाके मैंने डाला 1-1 लीटर बस। बहुत बढ़िया, ये भी काम करता है? हाँ दोनों। और ये बनने के लिए रखा है क्या? ये बनने के लिए रखा मदर कल्चर है। बहुत बढ़िया, ये आपका ड्रिप पे है पूरा। आई अनार है, बहुत बढ़िया। भट्टी खाद के लिए भी आप बता रहे थे कि हमने उसमें चलाया था बाजरे में। बिल्कुल चलाया था, भट्टी खाद भी आपने बनाया हुआ है? जी सर बिल्कुल चलाया। ये आपने भट्टी खाद इधर बनाया हुआ है? इसका क्या रिजल्ट है? शानदार रिजल्ट, और हकीकत में देखा जाए तो भट्टी खाद का ही रिजल्ट जल्दी आता, जल्दी एकदम एकदम हाथों हाथ रिजल्ट है। डाला और दूसरे दिन रिजल्ट। अच्छा जब से वीडियो देखी बस, सरसों में डाला तो सरसों का क्या बात बताए। अच्छा, और जो बाजरा में डाला तो बाजरा एकदम काला रंग, एकदम भमरे की पंख जैसा। अच्छा फीलिंग भी आती है डालने में? हाँ बिल्कुल, मतलब मजा आता है डालने में, ऐसा लगता है कुछ अच्छा काम कर रहा है। पर पेड़ पे हमने ये बनाया हुआ डाला है 1-1.5 किलो। बहुत बढ़िया, एक बस उसकी गुड़ाई कराना जरूरी है। बस 1-1.5 किलो पर पेड़ पे आ गया। अब इसके कराने के बाद गुड़ाई या गुड़ाई का पंजा ले लीजिए आप। एक डीएपी का तो कट्टा इसमें एक ही ना के 2 कट्टे डीएपी, डीएपी के 2 कट्टे पड़े, 1 कट्टो एमओपी, 1 कट्टो एसएसपी। बहुत बढ़िया, 35 किलो खड़ सरसों की। अरे वाह, और 2 गुणी वो
बकरी का लेंडी वाला खाद नहीं, लेंडी वाला पांच हाँ। अच्छा और चिमगादड़ वाला दो, दो। चिमगादड़ हर जगह मिलता नहीं मिलता है, चलो कोई बात नहीं। तो हम उसको हमने तो कहीं से मंगा के रखा, बहुत बढ़िया, बड़ा अपने आप में बहुत ताकतवर चीज हो गई। ये 10 दिन आज नहीं हुआ, तैयार हो गया 10 दिन के अंदर तैयार हो गया ये, बहुत बढ़िया। और दो बार डाला आगे दाने का, दाने तो गए बिल्कुल, दाने है ही नहीं ना, खत्म सब खत्म, वर्मी कंपोस्ट जैसा हो गया ये बिल्कुल। अरे वन के पी कंपोस्ट इसके आगे फेर, ये बहुत पावरफुल। अच्छा ये आपने बाजरा लगाया था, इसमें भी डालो भट्टी खाद, एक बार डाला, खाली एक बार ही डाला, एक बार में रिजल्ट आ गया। हाँ बहुत शानदार, देखो कोई यकीन कर सकता है कि बाड़मेर जिले में इतना बढ़िया खेती होती है। हाँ बाजरा, जो लोग कभी राजस्थान नहीं आए उनसे कहूंगा कि एक बार राजस्थान आओ, आओ देखो और यहाँ देखो राजस्थान क्या है। बिल्कुल, लोगों को लगता है राजस्थान में केवल बिहार रेत और ये है, वो कुछ एक क्षेत्र में है, बाकी सब जगह लोग मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया हो रही। तो वैसे भी तेजा, अच्छा तेजा की बेरी नाम क्यों पड़ा? तेजा की बेरी पड़ने का वजह यही था कि हमारा जो पहले खान आया था आज से 400, मैं तो शुरू में ये सोच रहा था जब आपने नाम बताया कि कोई तेजा नाम का आदमी होगा उसने बेरी का पेड़ लगा दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, 300 साल पहले फर्स्ट बार में वो अपनी गाय रखता था और गाय को पानी नहीं मिला, किसी राजपूत लोगों ने उनको ताना दिया। अच्छा, कि भाई आपको पानी नहीं दिया जाएगा जब तक हमारा पूरा गांव नहीं पिएगा जब तक, ओके, और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाओ अपनी अपनी खुद के बेरी और कुआ खोद दो और पिलाओ। तो उसने ये गांठ बांध दी, अब मियां बीवी दोनों नहीं, उस वक्त कोई दूसरा उसके पास में नहीं था, सिर्फ 50 गाय थी जी। और उसने अपने गुस्से में आके हाथों हाथ पानी खोद के ही पिलाया, उसके नाम उसकी वजह से बेरी का नाम पहले बोलते बेरी ना अच्छे लेवल पे, वो बेरी ये कुआ है वो अभी मौजूद है, उनका नाम आता ही है, आता ही तेजा की बेरी बस। बहुत बढ़िया, खोदने वाला का नाम तेजा था, खोदने वाले का नाम तेजा था, उसके बाद में लोग बस गए आके हम यहाँ आपकी। अच्छा उसको क्या करना है, अच्छा चेंज करना है, लाओ की बकरी का फोटो भी आ गया, माशाल्लाह। अच्छा खेती आपकी बिटिया करती है, ठीक है हम बेटा आपका नाम बताओ। अनीशा। अनीशा हाँ। देखो अनीशा पूरी खेती करती है, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 18 साल। 18 साल, और ये अनार का खेती आपके पिताजी बता रहे थे कि आप ही करते हो पूरी? हाँ मैं ही करती हूँ। अरे वाह, अभी भी आप कर रहे थे जब हम आए थे शायद, है नहीं? कितने घंटे काम करती हो? लगभग 8-10 घंटे करते हैं। अरे बाप रे, सुबह से शाम तक मतलब अनार में काम करना है बस, और फिर उसके बाद घर का काम मम्मी करती है। हाँ। चलो अभी लगभग जो है अभी पूरा जैसे हमने ये कल्चर दिया था आपको, और आपके पिताजी बता रहे थे कि वो आपने लट पे कोई स्प्रे मेरी बिटिया ने किया था। हाँ मैंने किया था। आपने किया था ना? हाँ। तो बता रहे थे वो मर गया, वो क्या रहा उसका रिजल्ट कैसा था? बहुत अच्छा आया था। और जो पहले केमिकल डालते थे उसमें डालने से बदबू आता था? हाँ आता था। और ऐसा भी लगता है कि यार अब्बा इसका कोई उपाय भी तो होगा, मन में आता ना कभी कभी। हाँ। यही दवाई क्यों डालते हैं हम? हाँ। ऐसी भी तो कोई दवाई होनी चाहिए जो जहर ना हो। हाँ। तो देखो देश में बिटिया जो है बड़े स्तर पे काम कर रही है, और पता है आपको ये जो पूरी कायनात है ना ये केवल औरत से बनी है। हाँ। अगर इसमें से औरत को निकाल दिया जाए तो ये दुनिया खत्म, हमारी कोई औकात नहीं है। ये तुम्हारा जो घर है ना ये बिना तुम्हारी अम्मी के किसी काम का नहीं, ये भाई साहब को खाना भी नहीं मिलने वाला तुम्हारे अब्बू को, अगर तुम्हारी अम्मी आते चली जाए तो तुम्हारी अम्मी को खाना जरूर मिल जाएगा बिना उनके। औरत के अंदर उतनी ताकत है, और वो तेजा जी ने कुआ खोदा होगा ना तो पक्का उसकी बीवी ने बोला होगा कि मैं साथ में कुआ खोदवाऊंगी, अगर बीवी नहीं होती तो कुआ नहीं खोद सकते थे। तो खोदा तो तेजा ने, मिट्टी सब उसकी औरत ने डाली। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे भी 2 बेटियां हैं, मेरे को नहीं लगा कि मुझे बेटे की जरूरत है, और 2 बेटियों पे हमने एकदम बस अपना काम उठा लिया। और एक बेटी, बड़ी बेटी मेरी 14 साल की है, छोटी वाली 10 साल की है, और दोनों मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। बेटा होता तो नहीं रखता, नहीं रखता। तो सुबह फोन करके पूछती है नाश्ता किया कि नहीं किया, कहाँ हो, रात पूछा बिस्तर मिला कि नहीं मिला, कैसी जगह रह रहे हो दिखाओ। तो ये बहुत बढ़िया। और स्कूल का क्या व्यवस्था है, यहाँ कभी पढ़ाई का मौका मिला? हाँ मिला था, 5वीं तक गए, उसके बाद मन नहीं किया, नहीं लगा खेती करते हैं। चलो बढ़िया। तो इसमें और जैसे खाद बाद डालना है तो लेबर लेनी पड़ती होगी? हाँ। तो उसमें लेबर मतलब मैनेजमेंट आप करते हो पूरा? हाँ मैं ही करती हूं, लगाने से लेके और डालने तक। हाँ। मेरा वीडियो देखते हो कभी? हाँ हाँ। उनको देखा करो, और उसमें से कुछ समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, अब उसे बोलो जरा फोन दो मुझे भैया से बात करना है, मेरा फोन लगाओ, साथ ही देखते हैं वीडियो, सीधा पूछो कि भैया मुझे ये पूछना है और ये मेरी समझ में नहीं आया था, घबराना नहीं है, ठीक है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, बड़ी खुशी हुई कि एक लड़की यहाँ पे अनार की खेती कर रही है, और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं दोबारा फिर आऊंगा, ठीक है जी, और फिर अभी ये तुम्हारे जो अनार में बीमारी है इसको खत्म करने के बाद फिर दोबारा से आएंगे। ठीक है चलो।